क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं डिटेक्टिव। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे Realme 3 Pro पे Realme UI का अपडेट मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको अभी तक Realme अपडेट नहीं मिला है Realme UI का अपडेट अपना Realme 3 पे, तो इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि कैसे आप मैनुअली वो अपडेट कर सकते हैं Realme UI को अपने डिवाइस पे। क्योंकि जो माधव सेठ है Realme का CEO, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे 13th ऑफ दिस मंथ को एक ट्वीट किया था, जहां पर उन्होंने बताया कि Realme 3 Pro और Realme XT के लिए Realme UI का अपडेट, जो मैनुअल अपडेट है, उसका लिंक अवेलेबल हो चुका है Realme की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है realme.com पे। तो वहां पर जाके आप मैनुअली वो फाइल डाउनलोड करके मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको अभी तक Realme UI का अपडेट नहीं मिला है और आप ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते, तो मुझे भी Realme UI का अपडेट अभी तक नहीं मिला। मैंने भी गूगल फॉर्म फिल किया था और मुझे 4th of February को अपडेट मिलना था, लेकिन मैं Realme UI को अभी अपडेट करना चाहता हूँ। इसके लिए पहले तो आपको अपने फ़ोन के कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ पर realme.com टाइप करके Realme का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाना होगा। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको जो लेफ्ट साइड पे हैमबर्गर मेनू मिल रहा है, वहाँ पर जाके आपको सपोर्ट पे क्लिक करना है। फिर वहाँ से आप चूज़ कर लीजिए सॉफ्टवेयर अपडेट को। सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन पे जाने के बाद आपको Realme की जो सारी डिवाइसेस है उन सारे डिवाइसेस के लिए लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो Realme XT है उसके लिए भी Realme UI वर्शन 1.0 का अपडेट यहाँ पर शो कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं Realme 3 Pro के लिए जो C.02 का अपडेट यहाँ पर लाइव हो चुका है, जिसका साइज़ है 3.51 GB। तो यहाँ से मैं कन्फर्म करके डाउनलोड पे इसको डाउनलोड कर लूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो चुका है, और डाउनलोड ख़त्म होने के बाद मैं आपको इसके बाद की प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे आप इस अपडेट को मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने डिवाइस पे। तो जो OZIP अपडेट फाइल है उसको सक्सेसफुली डाउनलोड करने के बाद आप फ़ोन स्टोरेज पे कट पेस्ट कर लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप डिवाइस को टर्न ऑफ कर दीजिए। मैं यहाँ पर रिकवरी मोड के थ्रू अपडेट को इंस्टॉल करूँगा। आप चाहे तो फाइल मैनेजर से भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन फॉर दैट केस आपका फाइल मैनेजर लेटेस्ट वर्जन पे अपडेटेड होना चाहिए। बहुत सारे डिवाइस पे फाइल मैनेजर लेटेस्ट वर्जन पे अपडेटेड नहीं है और मेरे डिवाइस पे भी फाइल मैनेजर लेटेस्ट वर्जन पे अपडेटेड नहीं है, तो इसके लिए मैं रिकवरी मोड के थ्रू ही अपडेट कर रहा हूँ। तो रिकवरी मोड पे जाने के लिए डिवाइस को टर्न ऑफ करने के बाद आप पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ प्रेस करके रखिए, ताकि आप रिकवरी मोड पे जा सके। रिकवरी मोड का जो विंडो है उसको ओपन करने के बाद आप दोनों जो की है उसको छोड़ दीजिए, जिसके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिकवरी मोड पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पर इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे सेलेक्ट कीजिए, फिर अपना लॉक स्क्रीन पासवर्ड टाइप करके ओके कीजिए। फिर यहाँ पर कोई भी स्टोरेज सेलेक्ट कीजिए, मेरे लिए फ़ोन स्टोरेज है। फ़ोन स्टोरेज पे जाके मैं वो जो OZIP अपडेट फाइल है उसको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, वार्निंग मैसेज, उसको ओके कर दीजिए। और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो अपडेट प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर एस्टिमेटेड टाइम रिमेनिंग इज 2 मिनट्स दिखा रहा है, लेकिन आपको 4 से 5 मिनट लगेगा फुल बूट अप होने के बाद आप Realme UI को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो से कोई भी हेल्प मिला तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की कंटेंट्स पाने के लिए। और Realme UI के रिगार्डिंग मैं और भी वीडियोस लाने वाला हूँ, तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस और वीडियोस मिलता रहे। तो फिर से बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।